हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये एक लव गेम है। इस गेम में सबसे पहले क्वेश्चन रखा जाता है। जो मेरे ओल्ड व्यूअर हैं उनको पता है, जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देना चाहती हूँ। तो फ्रेंड, क्वेश्चन है, अगर आपका कोई क्रश था तो क्या उसके बारे में आपके लवर को पता है या नहीं? यही क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो क्वेश्चन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं किसी एक चीज़ को चूज करने के लिए। तो फ्रेंड, क्वेश्चन आपने पहले देख लिया। आप यहाँ पे किसी एक लेटर को चूज़ कर लीजिए, क्योंकि जो लेटर आप यहाँ पे चूज़ करेंगे आगे चलकर उसी का आंसर आपका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, क्या आपने ध्यान से देखकर अपना लेटर चूज़ कर लिया है? अगर हाँ तो चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। फ्रेंड के साथ हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। चलिए फ्रेंड आंसर देख लेते हैं। अगर आपने ए लेटर चूज़ किया तो आंसर है, उसे शक है पर अभी पता नहीं है। एंड अगर बी लेटर आपने चूज़ किया तो आंसर है, उसको जैसा अपने सॉरी फ्रेंड्स उसको जैसा आपने बताया है उसी को वो सच मानता है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं सी लेटर की तरफ। उसी लेटर का आंसर आ चुका है। आंसर है, उसको आपकी क्रश के बारे में आपके ही किसी फ्रेंड ने बताया है। ये हो गया सी लेटर, जिन्होंने चूज़ किया था उनके लिए आंसर। आप देख लेते हैं डी लेटर का आंसर। तो जिसने भी डी लेटर को चूज़ किया उनके लिए आंसर है, वो सिर्फ ऐसा दिखाता है कि उसे तुम्हारे पास्ट और क्रश के बारे में पता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। एंड ई लेटर जिसने चूज़ किया उनके लिए आंसर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्रश कौन था। तो फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन एंड आंसर कैसे लगे ज़रूर बताइएगा और अपना प्यार भी दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ विजिट अगेन। बाय बाय, टेक केयर।